नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लेकर आगे देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर IAF MI-17V5 क्रैश हुआ, जिसमें हमारे देश के CDS यानी चीफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत समेत 13 लोगों की कैजुअल्टी हुई है। और इस मामले पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, आने वाला खुलासा आगे विस्तार से बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, CDS विपिन रावत समेत जो हेलीकॉप्टर में 13 लोगों की कैजुअल्टी हुई है क्रैश होने की वजह से, उसके बाद देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सोनिया गांधी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी राज में देश के 130 करोड़ लोगों को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है, क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि अब मोदी सरकार ने 3 सालों में विज्ञापनों पर यानी एडवर्टाइजमेंट पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए हैं, इसको लेकर के एक नया खुलासा हुआ है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इस्लाम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म अपनाने वाले वसीम रिजवी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है दोस्तों, अब कोर्ट में यह पूरा मामला पहुंचा किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर के सरकार अब जो है किसानों को एक और नया ऑफर देने जा रही है, जिसके बाद इस आंदोलन को खत्म किया जा सकता है, इसकी भी जानकारी है, इस पर भी आगे आपको बताएंगे अपडेट। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमिताभ बच्चन की पत्नी और समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन ने पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया है, क्या कुछ काम के बयान को भी सुनाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, महबूबा मुफ्ती ने अब जो है एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, क्या, इस पर भी अपडेट देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि एक दुखद खबर आज हमारे देश के साथ हुई, भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर IAF MI-17V5 क्रैश हुआ है, जिसमें हमारे देश के सबसे बड़े आर्मी के ऑफिसर CDS विपिन रावत जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो इस हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है उनकी कैजुअल्टी हो गई और उनके साथ साथ 13 और लोगों की कैजुअल्टी हुई है। लेकिन इस मामले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, इस मामले पर जो है एक बड़ी साजिश को लेकर के एक बड़े आर्मी और पूर्व ब्रिगेडियर ने बड़ा बयान दिया है, आपको हम दिखा भी रहे हैं, आप देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त की खबर पर आशंका जताई जाने लगी है, क्या वास्तव में ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ या नहीं, तीनों सेना के प्रमुख जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे उसे साजिश के तहत क्रैश किया गया है, ये आरोप पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने लगाया है। उन्होंने साफ कहा है कि यह हादसा नहीं बल्कि साजिश है, हमारे तीनों सेना के प्रमुख जिस हेलीकॉप्टर से थे वो एडवांस हेलीकॉप्टर है जो इतनी आसानी से क्रैश नहीं हो सकता, तो यह पूरा मामला एक साजिश से भरा हुआ लग रहा है। अब देखना यह होगा कि जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब इसमें फैक्ट कैसे निकल कर आते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, CDS विपिन रावत समेत 13 लोगों की यानी हेलीकॉप्टर क्रैश में जिस तरह से कैजुअल्टी हुई है, उस मामले पर सोनिया गांधी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सोनिया गांधी ने यह ऐलान किया है कि वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी, यानी कि जो आर्मी के ऑफिसर्स इस दुनिया में नहीं रहे, जो शहीद हुए हैं उनकी इस शहीद में जो है, अब सोनिया गांधी ने कहा है कि वो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करेंगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मोदी राज में देश के 130 करोड़ लोगों को लगा बड़ा झटका, मोदी राज आर्थिक असमानता में नंबर एक पर पहुंच गया है भारत, 10% लोगों के पास देश की 57% जो है आय पहुंच गई है। भारत में बेरोजगारी, गरीबी, भूख जैसे मुद्दों पर अभी कायम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में तो इन्हें और भी बल मिल गया है, क्योंकि इनके राज में देश के अंदर आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का उन देशों की लिस्ट में नाम शामिल किया गया जिनमें सबसे ज्यादा आर्थिक
असमानता पाई जाती है, जहां पर गरीब और समृद्ध लोगों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। मशहूर अर्थशास्त्री द्वारा आथर की कई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में सबसे संपन्न 1% लोग देश की 22% आमदनी कमाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुल आबादी के आधे लोग 50% मात्र 13% आमदनी कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक धड़ा है जो लगातार अमीर होता जा रहा है और एक हमारे देश की 50% से ज्यादा आबादी है जो लगातार गरीबी रेखा से नीचे जा रही है। ये बड़ा खुलासा हुआ है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मोदी सरकार 3 सालों में कितने करोड़ रुपए अपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किए, इसको लेकर के बड़ा खुलासा खुद मोदी सरकार के एक दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कर दिए। दोस्तों आप इस खबर को देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने संसद को बताया है कि उसने पिछले 3 वर्षों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों पर लगभग 1700 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड फ्रंट सांसद बदरुद्दीन अजमल के सवाल का जवाब देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि 2018 और 2019 से 2020-2021 की अवधि के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार द्वारा विज्ञापनों पर जो है 1698.98 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। यानी कि मोदी सरकार ने अपनी पार्टी का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए या तमाम एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 1700 करोड़ रुपए अभी तक खर्च कर दिए हैं सिर्फ 3 साल के अंदर। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, वसीम रिजवी को कोर्ट से बड़ा झटका। आप इस खबर को देख सकते हैं, 8 दिसंबर मुंबई स्थित संस्था ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की विवादास्पद पुस्तक जो है मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मंगलवार को एक जनहित याचिका दायर कर दी है। संवाददाताओं से यहां पर बातचीत में एसोसिएशन के सचिव मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी ने कहा है कि किसी भी राजनीति में पैगंबर मोहम्मद और पवित्र ग्रंथ कुरान को लाया जाना उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने वसीम रिजवी के खिलाफ जो है अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उनकी किताब पर पाबंदी लगवाने के लिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, आरी कृषि आंदोलन हो सकता है खत्म, सरकार ने किसानों को दिया बहुत बड़ा ऑफर। नाराज किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा ऑफर मिल गया है। बताया जा रहा है कि किसानों पर एमएसपी पर जो गारंटी कानून बता रहे हैं वो बन सकता है और जो केसेस किसानों के ऊपर जो है लगाए गए हैं वो भी सरकार वापस ले सकती है, जिसके बाद आज नहीं तो कल 1-2 दिन के अंदर ही किसान आंदोलन खत्म किया जा सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन और समाजवादी पार्टी की दिग्गज नेता का पलटवार। उन्होंने साफ कहा है कि लाल टोपी यूपी में बीजेपी के लिए रेड अलर्ट है, अगर इसी तरह से बीजेपी इस तरह के बयान देती रही तो समझ लीजिए बीजेपी कहां जा रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, महबूबा मुफ्ती का बहुत बड़ा ऐलान। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया है कि जब तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं किया जाता तब तक वे चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि उनकी पार्टी पीडीपी चुनाव जरूर लड़ेगी। तो ये बड़ा ऐलान जो है महबूबा मुफ्ती की तरफ से किया गया है। आपकी अपनी दोस्तों इस प्रकार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।